हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा देखा था प्रोग्रेसिव वॉक। अब प्रोग्रेसिव वॉक को हम लोग साइकिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने एक सेंट्रल लाइन ड्रा की है एक लाइन के ऊपर, अब इस लाइन के ऊपर हम लोगों को सारी के सारी पोजेस बिल्कुल सेंटर में शिफ्ट करना है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो सारा जो कैरेक्टर है वो एक ही जगह पर चलेगा। और जब इनको हम लोग, यदि मुझे कुछ लंबा वॉक दिखाना है तो इस तरह से साइकिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग पीछे पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको रन करते हैं और आपका कैरेक्टर एक ही जगह पर चलता रहता है। क्योंकि प्रोग्रेसिव वॉक में यदि हम लोग इस तरह से लंबा वॉक करेंगे तो उसमें काफ़ी समय जाएगा, तो समय को बचाने के लिए हमें साइकिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे, और जो मैंने प्रोग्रेसिव की जो मेरी 25 से 30 फ्रेम मेरी जो बनी है, इन सारे फ्रेम को, इनकी इन सारे फ्रेम की जो मेन मेन पोजेज है जिसको हम की फ्रेम बोलते हैं, सारे की फ्रेम को हम लोग सेंटर लाइन पर लेके आ जाएंगे इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इसको सेंटर लाइन में ला करके इसको बीच वाली लाइन पर इसको मैच करेंगे। ये सारा का सारा होने के बाद इसको आप देखोगे तो ये कंटिन्यू आपको चलते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसका शेडो भी दिखाएंगे कि देखो ये इस तरह से एक ही जगह पर चलते हुए दिखेगा आपको इस तरह से। तो ये कंटिन्यू चाहे इसको जितना चला लो आप, तो इसको हम बोलते हैं साइकिल वॉक। पिछले वीडियो में हमने देखी थी प्रोग्रेसिव वॉक जो कि आगे आगे चलती है और ये अपनी एक ही जगह पर चलती है। अब इसके बाद इसके हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका शेडो कैसा हो, तो इसके शेडो बनाने भी हम लोग देखेंगे। तो शेडो बनाने के लिए सबसे पहले तो ये मुझे, मैं यहाँ से कट कर लूँगा, इसका सिंबल बना लूँगा। और सिंबल बनाने के बाद इसको मैं अंदर एज यूजल लेयर में इसको पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ वापस आ जाएगा और हमारा सिंबल जो है वो लाइब्रेरी के अंदर है। यहाँ अंदर जितनी फ्रेम होगी उतनी फ्रेम हमें बाहर लेना होती है, जनरली ग्राफिक सिंबल में ये ज़रूरी होता है। अब मुझे शेडो के लिए, चूँकि शेडो फिल्टर के थ्रू काम करती है, तो इसके लिए मुझे इस सिंबल को मुझे मूवी क्लिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफिक में फिल्टर का ऑप्शन शो नहीं होता। तो इसको मैं यही से मूवी क्लिप कर दूंगा इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके। मूवी क्लिप और जब मूवी क्लिप में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से मैं एक दूसरा लेयर ले लूँगा। और इसके जस्ट नीचे वाले लेयर पर मूवी क्लिप रहेगी मेरी। यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट करेंगे हम लोग और इसको नीचे की तरफ ले लेंगे और यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म टूल से थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे ऐसा। फिर हम जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन में, जो प्रॉपर्टीज भी मिलेगा आपको, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये शो होता है। तो यहाँ प्लस में जा कर के यहाँ पर ड्रॉप शेडो करके एक ऑप्शन होता है और ड्रॉप शेडो के अंदर आप हाइड ऑब्जेक्ट कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा और उसकी जगह ब्लैक कलर आएगा। तो इसको पहले देखते हैं कि ये कैसा लगता है।
अब चूंकि मूवी क्लिप है तो मूवी क्लिप वाला पार्ट रन होगा नहीं, लेकिन जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो इसमें हमें वो नज़र आएगा। इस तरह से देखो यहाँ पर, शैडो को थोड़ा सा ब्लर ब्लर करते हैं, तो कुछ ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा कम करते हैं 15 के आसपास, अब ठीक लगेगी, यहाँ दिखेगी नहीं आउटपुट में नज़र आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।